अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त काजी अली और ये है मेरा पहला ब्लॉग। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं नहा धोकर तैयार हो चुका हूँ और आज मेरा क्योंकि पहला ब्लॉग है तो आपको मैं अपना लाइफस्टाइल दिखाऊंगा। तो चलते हैं फिर बाहर, और अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि शॉप पर, तो वहाँ जाके आपको कुछ वीडियोज़ वहाँ पर बना के दिखाऊँगा। तो लेट्स गो। तो गाइस, मैं शॉप पर पहुंच चुका हूं और ये देखिए, ये भी शॉप बंद है हमारी। एक ये शॉप है हमारी और एक ये वाली है, ये बड़ी शॉप। ये दो शॉप्स हैं हमारी। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं और अभी ये बंद है, इन्हें अब खोलूंगा। तो फिर आपको शॉप खोलने के बाद वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमने शॉप लगा ली है और ये देखें, ये हैं अब्बास भाई और ये यहाँ पर बैठते हैं इस वाली शॉप पर। और अब आपको अगली शॉप दिखाता हूँ, बड़ी वाली। ये देखें, ये है हमारी बड़ी वाली शॉप। ये माशाल्लाह, ये देखें कितनी बड़ी है। हाँ तो दोस्तों, ये इस वक्त हम दुकान समेट रहे हैं, दुकान बंद कर रहे हैं और अब हम बंद करके जाएंगे बाहर खाने, यानी बाहर घूमने फिरने जाएंगे, वहाँ जाके खाएंगे पिएंगे। तो ये देखे हमारे ये प्यारे भाई जान बिलाल भाई, हमारे चाइनीज बाबा हमें तो प्यार से चाइनीज बाबा कहते हैं। हमारे बहुत प्यारे बिलाल भाई हैं। बिलाल भाई इधर देखे चले, कोई बात नहीं, शर्ट का ये दुकान हमने ये वाली बंद कर दी है और जो पिछली दुकान है वो भी तकरीबन बंद हो चुकी है, बस नीचे करने वाले रह गए। ये बंद करके अब हम जाएंगे बाहर घूमने, फिर घूमने की वीडियो आगे मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा। ये अब हम सब निकल जा रहे हैं, ये अब हम सब जा रहे हैं और बाहर अभी हमारा एक और दोस्त आएगा जो कि जिसे हम छोड़ हैं पीछे, तो वहाँ पर जाके पहले उसका वेट करेंगे, ऑर्डर देंगे, फिर उसके अब हम सब जा रहे हैं मिलके पंजाब टिक्के पे जो के मोती गेट लाल खूह में है वहाँ पर हमारे साथ एक और लड़का होगा जिसे हम छोड़ा है पीछे, और वो वहाँ पे उसे बताएंगे भी पहुँच जाए। हम टोटल पांच जितने अब हैं, एक भाई जन वो आगे भाग गया, वीडियो कहते हैं जी नहीं बनवानी, और एक आएगा, टोटल हम छः। तो हम यहाँ पे ऑर्डर हमने दिया था, ऑर्डर हमें मिल चुका है, तो अभी हम खाने लगे हैं। ये देखें, ये है यहाँ की स्पेशल डिश। आप ऐसे वीडियो बनाते हैं यहाँ से सर? रेशमी पुलाव। अब हम भी बंद करके एंजॉय करते हैं। पंजाब टिक्के से खाना खा के सारे निकल आए हैं, और जैसा कि आप जानते हैं काजिम साहब की तरफ से था, लेकिन इन्होंने पूरे पैसे पे नहीं किए, इस बात का मैं सारी जिंदगी अफसोस। कोई गल नहीं भाई, कितने देंगे ना? जितने इनके लगे हैं उससे 140 रुपए कम मेरे भी लग गए।